देखना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। राजनीतिक संघर्ष इसको इसलिए भी कहा जा रहा है दर्शकों, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर यही कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर पूरा का पूरा खेल जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारी का चोला ओढ़कर कहीं ना कहीं जनता को ठगने का काम कर रही है। कई योजनाओं को लेकर जो है इसमें घोटाले की बात सामने आ रही है दर्शकों, लेकिन इन घोटालों पर भी आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि भाजपा दरअसल इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, जिस पर जनता पूरी तरीके से पानी फेरती हुई नजर आए। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जो बीते दिनों सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें भी अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई। लेकिन अब अगली सुनवाई को लेकर के ये चर्चा है कि उस सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई बड़े अहम सबूत पेश किए जा सकते हैं और उन सबूतों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को वैध करार नहीं दिया है और इसको लेकर के ही उन्होंने चुनौती पेश की है, याचिका दायर की है और ये कहा है कि केंद्र की सरकार जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत जो है विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से गिरफ्तार करवा रही है। हालांकि हाईकोर्ट का जो रुख था वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था, यानी कि जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया गया था। लेकिन आप जो सुप्रीम कोर्ट पर नजरें टिकी है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाएगा? आने वाली सुनवाई पर इस पर नजरें टिकी है दर्शकों। देखते हैं कि ये लड़ाई कहां रुकती है और क्या 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भी सीधे तौर पर इस मामले का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज।